नमस्कार, इस वक्त हम गुरु नानक अस्पताल में पहुंचे हुए हैं और आज एक अपील के साथ आप सबों के बीच पहुंचे हैं। एक लड़का है, 14 साल का, एक्सीडेंट हुआ था, जिसका बहुत गंभीर एक्सीडेंट हुआ था और अभी आईसीयू में भर्ती है। बच्चे की चाची हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या मांग है आपकी और क्या हुआ है लड़के। नमस्कार, जितने भी देखने वाले चैनल हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि मेरा भतीजा जो 14 साल का है, उसको 20 दिसंबर की शाम को उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिससे वो बहुत गंभीर हालत में थे। पुलिस गाड़ी उनको यहाँ लाके गुरु नानक हॉस्पिटल में पहुँचाया और हमें कन्फर्म किया कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। तो मोबाइल था बच्चे के हाथ में, जिससे पता चला कि वो हमारा बच्चा है। जब हम आके देखे तो बच्चे को यहाँ एडमिट कर लिया गया था। बच्चे की अवस्था इतनी ख़राब थी कि उसको यहाँ से कहीं और भी नहीं ले जा सकते थे हम, तो हमको लगा कि यहाँ पर ही उनका इलाज करना चाहिए। तो उनका जब हम यहाँ लेके आए थे तो उनका बीपी भी लो था, मतलब उनका बहुत हालत ख़राब था। उनका सीटी स्कैन हुआ, उनका एक बाईं ओर का एक स्केल टूट के उसके माथे में धस गया है, जिसके कारण उनका ऑपरेशन करना ज़रूरी था। तो यहाँ के डॉक्टरों ने बहुत कोऑपरेट किया, उनका ऑपरेशन भी किया। सेकेंड दिन में ही उनका ऑपरेशन हुआ। मेरा बच्चा 20 दिसंबर से ही यहाँ पे है, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में अच्छे से ही हो रहा है उसका। लेकिन अब मेरा ये हो रहा है कि 20 दिसंबर से लेके अभी आज 16 तारीख है, 16 जनवरी, तो मैं थोड़ी मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ। बच्चा मेरा भतीजा है, उसके पापा नहीं है। 2020 में उनके पापा एक्सपायर हो गए थे। उनकी माँ थोड़ी अब नॉर्मल है। बच्चे का पढ़ाई लिखाई जो भी खर्च है सो हम लोग ही करते हैं, बच्चे हमारे ऊपर ही डिपेंड है। मतलब मैं बच्चे की माँ ही समझे तो एक माँ ही हूँ। एक माँ के हिसाब से मैं आपसे अपील करती हूँ कि अभी तक तो इतना जितना मैं कर सकती थी वो कर रही हूँ, लेकिन अब मैं टूट रही हूँ, मेरा धीरज भी टूट रहा है, मेरे पास अब इतना पेशेंस भी नहीं है कि हम ये करें। तो आप लोगों से अपील है कि मेरे बच्चे के लिए जितना हो सके आप लोग आगे बढ़े और मेरे बच्चे के लिए योगदान करें, ताकि मेरा बच्चा यहाँ से ठीक होकर अच्छी कंडीशन में घर तक जाए। आप लोगों से यही विनती है, मेरा हाथ जोड़ के, मैं एक अबला चाची माँ जो भी बोलें हम उनका वही हैं, लेकिन आप मेरे बच्चे के लिए इतना करेंगे तो मेरे लिए आपसे और क्या बोल सकते हैं, इतनी ही गुजारिश है। आप लोग थोड़ा मेरा सपोर्ट करें, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं सब मेरा सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ के जितना हो सके वो करेंगे। मैं उन लोगों के लिए शुक्रगुजार होंगी और तहे दिल से उनका आभारी करूँगी। माँ उसकी अब नॉर्मल है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाती है वो, मतलब वो बंगाली है, हम लोग बंगाली ही हैं, तो वो बंगाल की है, कलकत्ता की है, तो वो हिंदी भी नहीं जानती है, जिस कारण हम लोग को थोड़ा और भी ये हो रहा, दिक्कत हो रहा है। मेरा बच्चा खुद का बच्चा है, जिसको मैं सुबह घर स्कूल छोड़ के आती हूँ, फिर यहीं पे मैं रहती हूँ, तो वो उस भी नहीं, वो भी नहीं कर पाएगी हम अपने बच्चे को भी उसके रख के आऊँ तो वो उसको भी ये कर सके। इसलिए मतलब दोनों बच्चों को हम ही को देखना है, तो इसलिए हम थोड़ा और भी परेशान हैं। तो आप लोग जितना हो सके मेरे लिए करें। अभी हर दिन कितना खर्च होता है? अभी तो मैं उतना तो हम दवा हुआ करके मेरा कम से कम 5,000 लगभग। कितना पूरा खर्च हो गया अभी तक? तो मेरा हुआ है 2.5 लाख, तो मैंने अभी मतलब जमा के डिपॉजिट किया है, और फिर वो दवा वगैरह का मेरा 1.25 से 1.5 लाख रुपए खर्च हुआ होगा। 4-5 लाख खर्च हो गया। हाँ, उतना हो गया होगा मेरा। और हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग के पास इतना पैसा तो बहुत मुश्किल। अब जितने भी रिश्तेदार हैं उन लोग से भी मांग रहे, तब वो देना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कोई कितना भी देगा तो देगा तो नहीं ना, उतना ही दे सकता जितना सामर्थ्य हो। अब उन लोगों को भी लगता है कि हम लोग फिर वापस करें या ना करें, इसलिए कोई देना नहीं चाह रहा, इसलिए और थोड़ा सा टूट गए हैं हम लोग, और चाहते हैं कि बच्चे को यहाँ से हम लोग ठीक करके ही लेके चलें। अभी किस क्लास में आदित्य कहाँ पढ़ता है? आदित्य 8 क्लास में है, फिरहाल स्कूल में पढ़ते हैं। किस कैसे हुई घटना, कुछ पता है उस दिन? उस दिन तो बच्चा खेलने के लिए घर से निकला था कि मैदान में जा रहे खेलने के लिए, उसके बाद वो कैसे गया, किसके साथ गया ये मालूम नहीं है। जहाँ तक पता चला था कि 3 बच्चे थे, उनमें से एक बच्चा तो स्पोर्ट हो गया है, 1 हफ्ता सर्वाइव किया, उसके बाद वो नहीं रहा। एक बच्चा तो ठीक है मतलब, लेकिन वो कुछ बता नहीं पा रहा है कि कैसे हुआ क्या नहीं, और मेरा बच्चा जो है कि बोलने की कंडीशन में नहीं है। तो ये 3 बच्चे थे, 24 दिसंबर की शाम को, 20 दिसंबर की शाम को घटना हुई है, दुर्घटना, और उसमें से एक बच्चा जो है उसकी डेथ हो गई है। एक बच्चे का पता नहीं है कहाँ है, और एक को पुलिस ने यहाँ पहुँचाया है, और उस दिन से अभी तक 1 महीने लगभग होने को है, तब से इलाजरत है गुरु नानक हॉस्पिटल में। आदित्य बिल पे बिल बनता जा रहा है, इलाज अच्छा मिल रहा है उसे, इनका कहना है कि बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं डॉक्टर, लेकिन बिल जो है वो बनता जा रहा है। अब तक जितना हो सका इन लोगों ने किया है, अब ये सामर्थ्य खत्म हो रहा है इनका, ये टूट रही है, और आप लोगों से मदद चाहती हैं। ऐसी कंडीशन है आदित्य की कि अभी उसे और अगर अच्छे तरीके से इलाज मिले यहीं तो वो बच सकता है, इसलिए आप सबों से गुजारिश कर रही हैं कि अगर कुछ मदद हो सके आर्थिक तौर पर तो आप सब जरूर करें इनकी, ताकि ये स्वस्थ करके अपने बच्चे को यहाँ से ले जा सकें। पिता भी नहीं है, माता भी अब नॉर्मल है उनकी, तो एक चाची
होकर इस तरीके से बढ़ चढ़कर अपने भतीजे के लिए काम कर रही हैं, ये भी एक अच्छी मिसाल है। तो आप सब प्लीज़ जो लोग भी सुन रहे हैं, हमारी भी हमारे चैनल से भी अपील है आपकी कि बच्चे की मदद करें। शुक्रिया। आप जो अपील करते हैं कि आप मेरे बच्चे के जितना हो सके करें, आप लोगों का यह उपकार हमेशा के लिए हम रहेंगे। जब तक मेरा बच्चा रहेगा इस दुनिया में, हम आपके लिए उपकार हमेशा याद रखेंगे। बढ़ चढ़ के जितना हो सके वो आप कीजिएगा प्लीज़। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12 के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलोंग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। द फॉलो अप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in